हर कोई जानता है कि डॉन में शाहरुख खान की जंगली बिल्ली कौन है। हर कोई जानता है कि ऐतराज में अक्षय कुमार को अपनी तरफ किसने रिझाया। हमारे सुपर हीरो क्रिश की महबूबा कौन है। जी हाँ, चाहे कोई भी किरदार हो, हर रोल को बखूबी निभाने का टैलेंट शायद प्रियंका चोपड़ा में ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खूबसूरत और बेहद ही बोल्ड प्रियंका चोपड़ा को कई बार अपने स्किन कलर को लेकर बुलिंग का शिकार होना पड़ा। दरअसल जब प्रियंका चोपड़ा IQ टेस्ट के वक्त अमेरिका गई थी, तभी कई अमेरिकन और अफ्रीकन लड़कियों के ग्रुप ने उनके साथ बदतमीजी करने शुरू कर दी। साथ ही प्रियंका के लॉकर पर ब्लैक गर्ल और कई एनिमल के नाम लिख दिए गए थे। लेकिन सिर्फ बचपन ही नहीं, जब प्रियंका ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, तब भी उन्हें कई बार उनके रंग को लेकर खुलेआम ताने मारे गए और बेइज्जत भी किया गया। इतना ही नहीं, कई बड़े डायरेक्टर्स ने तक उन्हें काली कहकर अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी सबकी आंखों पर सफेदी की पट्टी बंधी है, जिस वजह से कई बार प्रियंका को ब्लैक कहकर इंसल्ट किया गया। कई बार तो प्रियंका के साथ काम करने वाली को एक्ट्रेसेस इस बात से नाराज थी कि प्रियंका का रंग सांवला है, उन्हें क्यों लीड एक्टर में रखा गया जबकि वो गोरी है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा का भी कोई जवाब नहीं। प्रियंका ने सभी हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने काम के जरिए सबका मुंह बंद कर दिया। और आज देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ एक अच्छी बेटी बनी, बल्कि एक्ट्रेस, सिंगर, प्रोड्यूसर, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, नेशनल अवार्ड विनर और बहुत कुछ। हम भी प्रियंका के जज्बे को सलाम करते हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।